में सिर्फ आराम करूंगा और कोई काम नहीं। शिनचैन जरा देखना तो। ठीक है। हेलो शिनचैन, कैसे हो तुम? मुझे पहचाना? आप कौन है आंटी? अरे शिनचैन बेटा, तुम मुझे नहीं पहचानते। आपकी शक्ल तो मेरी मॉम से मिलती है, पर आप उनसे बड़ी लग रही हैं। मैं उससे बड़ी ही लगूंगी ना, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, समझे तुम? इसका मतलब आप दीदी? आप तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मित्सी, लेकिन आपके अचानक यहाँ आने की वजह? क्या मैं ये खा लूं? मुसाई यहाँ तुम्हारे यहाँ रह रही है ना? लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने सोचा आप परेशान होंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लगता है इनके पास कोई खुफिया डिवाइस है, कहीं ये डिटेक्टिव तो नहीं है। डिटेक्टिव नहीं, डिटेक्टिव होता है। और तुमने मुझसे बिना पूछे खाया कैसे? मित्सी, तुम्हें शिनचैन को समझाना चाहिए कि बड़ों से इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत बातें करते हो। अच्छा हुआ इनके पास कोई खुफिया डिवाइस नहीं था। हा? क्या डैड जानते हैं? नहीं, डैड को ये बात नहीं पता कि मुसाई तुम्हारे साथ रह रही है। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, आओ अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। क्या कहते हो शिनचैन, मेरी तो छुट्टी थी, अब मैं क्या करूँगा आज? वो तो आपको ही देखना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हर छोटी छोटी बात पर वो क्यों डांटती रहती है। माना कि वो स्कूल की टीचर है। हैरी, अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो सामने करो। आपका स्वागत है। मुसाई कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में सो रही है। शहर के 12 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। मित्सी, अगर तुम कहो तो मैं उसे जाकर उठा दूं। नहीं, मैं खुद जाकर उसे उठाऊंगी। मैं इसे पहनकर जाऊंगी उसे उठाने। मुसाई, उठ जाओ। आपको क्या लगता है, मास्क सिर्फ आपके पास ही है? नहीं। ये कौन है? आप पहचाना? तुम इस मास्क से नहीं डरी और मुझे देखकर डर गई? ये बात मैं समझ सकता हूँ। दीदी एक बात बताइए, आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब क्या डैड भी मेरे बारे में जानते हैं? अभी तक तो नहीं जानते। फिर तो ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह अपनी बहन के घर रह रही हो और तुमने किसी को बताया भी नहीं? आप तो आज तक मुझे कभी समझ नहीं पाई दीदी। तुम भयंकर सा घोड़ा कौन है इसको? पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनके कीड़े से चार पत्तियां लाइन का चाल ने कहा मेरा तो सेंटे दे पापा। पेटी से निकाल कर उसे साफ कर दीजिए ना। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है शिनचैन। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते शिनचैन? दीदी प्लीज इतना गुस्सा मत करो, इसके पास ऐसा करने की कोई न कोई वजह रही होगी। तुम्हें इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा मुसाई की तरफदारी की है और इसलिए वो बिगड़ गई है। क्या क्या कह रही है दीदी? आपका मतलब ये मेरी वजह से बिगड़ गई है? आप शुरू से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी दीदी, आप हमेशा ऐसी छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी। समझ नहीं आता कि आप टीचर कैसे बनी, बिगड़े बच्चे डांटने से कभी नहीं सुधरते। दीदी मैं कोई बिगड़ी हुई बच्ची नहीं हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं हैरी? आप हमेशा ऐसे वक्त में भागने की कोशिश ही क्यों करते हैं? इन सारी चीजों में गलती तुम्हारी भी है हैरी। घर के बड़े हैं, ऐसे मौकों पर भागने की बजाय बातों को संभालना चाहिए। डैड अब आपको कोई नहीं बचा सकता। लगता है आज का दिन ही खराब है। सुनिए, अब से इसी वक्त से आप अपनी बातें शांति से कहेंगी, मंजूर? हमें मंजूर है। मंजूरी मिल गई, शुरू करें? ऐसी बात है तो वाकई शुरू कर सकते हैं। ठीक है मॉम, आपने अपना वेट लूज करने के लिए वॉकिंग शुरू की थी, लेकिन बीच में ही आपने उसे छोड़ दिया। पर मुझे तो आप रोज वॉकिंग पे भेजती हैं। क्या मेरे बारे में बात नहीं हो रही? ये बात तुम्हें कब समझ आएगी शिनचैन? मुसाई एक बात बताओ, क्या तुम सच में फोटोग्राफर बनना चाहती हो? अगर तुम्हें ऐसा करना है तो आलस छोड़ना होगा और फेमस बनने के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया है, मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। अगर तुम्हें वो नहीं करना तो कुछ और ढूंढो, इस तरह घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बाहर जाकर अपने लिए नई जॉब ढूंढनी चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी अच्छी होती है, लेकिन कस्टमर से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। नहीं तो
तुम तो चुप ही रहो। अच्छा तो फिर ऑफिस वर्क कैसा रहेगा? पूरे दिन एक ही डेस्क पर बैठकर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बोर हो जाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं करने से भी तो लोग बोरी हो जाते हैं ना। तुम ज्यादा बोल रहे हो। बातें बनाना छोड़ो और बताओ तुम्हें करना क्या है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे कि कोई क्रिएटिव काम, कोई आर्टिस्टिक काम, ऐसा काम जिसमें मैं बहुत सी सुंदर चीजें रिकॉर्ड कर सकूं। पर आप वो करेंगी कैसे? बिल्कुल इस तरह। ये तो फोटोग्राफर हुआ ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। दीदी देखो पपी। ओ नहीं, ये तो डॉगी है, मुझे इसे बचाना होगा। उस समय आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही किया। मिट्सी दीदी, आपने उस पपी को पूरी ताकत से पकड़ कर रखा था, पर एक मैं ही थी जो कुछ नहीं कर पाई थी। आप दोनों ने मिलकर अपने टैलेंट से उस पपी को बचा लिया था, लेकिन मैं वहाँ खड़ी होकर बस आपको देख रही थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही है, मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उस समय बहुत छोटी थी इसलिए कुछ नहीं कर पाई। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर उस समय तुम उस डॉग को नहीं देखती तो हम उसे नहीं बचा सकते थे। बिल्कुल सही, जैसे वो डॉग तुम्हें मिल गया, मुझे यकीन है कि एक दिन सही रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या डालो मरा तो मैंने साई, अब बस करो, रो मत, तुम रोती हुई अच्छी नहीं है। ये तो कमाल हो गया आज। अरे शिनचान, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, चलो शुरू करें। जब तुम छोटे थे तो मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन तब भी मैं बहुत प्यारा था और अभी हूँ। चुप रहो शिनचान, तुमने सही कहा, तुम आज भी बहुत प्यारे हो। Después. Hiroshi, ve a comprar licor, anda. Sí, pero que sea desde el pueblo. Anda, invítanos tú. Mi día de fiesta, mi dinero. ¿Cuántas papitas de tantas ranas se han puesto?